हो गया। इस राष्ट्र के लिए जब भी खून देने की बात आई है तो सबसे आगे भारत का खून अगर मां भारती के चरणों में किसी ने समर्पित किया है तो वन क्षेत्र में रहने वाले मेरे जनजाति भाइयों। और इसलिए हिंदुस्तान कभी भी अंग्रेजों का गुलाम रहा तो शहरों में गुलाम रहा, जनजाति क्षेत्रों में तो कभी ये संघर्ष थमा ही नहीं। जनजाति क्षेत्र ने कभी उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। हमने जलियांवाला बाग का नाम सुना है, लेकिन नौजवान सिद्धू कानू चांद और भैरव सन 1855 झारखंड के भगना डी गांव में 20 जून 1855 को 1857 की क्रांति के पहले अध्याय के रूप में सिद्धू कानू चांद भैरव ने स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा कर दी। सहाड़ गांव के 50,000 से ज़्यादा लोग, उन 50,000 लोगों के बीच में अंग्रेजों की सत्ता के सामने संग्राम की घोषणा कर दी। वन क्षेत्रों की खनिज संपदा, ये जो जल जंगल जमीन है, ये हमारी माँ है, इस माँ के ऊपर किसी नापाक व्यक्ति को हम हाथ नहीं आगे बढ़ाने देंगे, इस संकल्प के साथ घोषणा की। संघर्ष चला, अंग्रेजों की सत्ता को चुनौती मिली, अंग्रेजों ने पूरे देश की आर्मी को सिद्धू कानू चांद भैरव के आसपास लगा दिया, संथालों को मारना शुरू किया। 2 साल तक लगातार मारते रहे। भाइयों बहनों, जलियांवाला बाग हमको याद है, 13 अप्रैल 1919, उसको हम कभी नहीं भूल सकते। कुछ 1500 लोग हमारे शहीद हुए थे, लेकिन सिद्धू कानू चांद भैरव उनके साथ में 20,000 लोगों का बलिदान जंगलों में हो गया। ये इतिहास के पन्नों पर कहां दफन हो गया ये कोई नहीं जानता, क्योंकि आजादी के बाद इतिहास जिन लोगों के हाथ में आया उन लोगों ने हमसे छुपाया कि जनजाति क्षेत्रों में कितना बलिदान इस राष्ट्र की अस्तित्व और अस्मिता के लिए हुआ। भाइयों बहनों, मैं एक उदाहरण देकर के अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इन सारे बलिदानियों के अमर गाथाओं के कारण, इनके बलिदान के कारण, इनके रक्त के कारण 1947 में हम आजाद हुए। आजाद हुए तो हमको क्या मिला? हमको मिला भारत का संविधान। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बना, और जब भारत का संविधान बना तो उसमें विचार विमर्श हुआ कि इस पूरे देश में ऐसे कौन लोग हैं जो गरीबों में भी गरीब हैं, पिछड़ों में भी पिछड़े हैं, और इसके लिए उनके लिए कुछ विशेष व्यवस्था करना पड़ेगी। आरक्षण की व्यवस्था, संरक्षण की व्यवस्था, और आरक्षण और संरक्षण की व्यवस्था की गई हमारे भारत के संविधान में धारा 341 और अनुच्छेद 342। मैं आप लोगों से एक बार फिर पूछना चाहता हूं, जनजातियों के लिए, जैसे अनुसूचित जाति के लिए हमारे यहाँ पर अनुच्छेद 341 बना, वैसे ही हमारे यहाँ पर भारत की संविधान सभा ने अनुसूचित जनजाति के लिए 342 अनुच्छेद बनाया। कौन सा अनुच्छेद बनाया? 300। ये 342 अनुच्छेद बनाया, 342 अनुच्छेद ने हमारे पूरे देश के जनजाति क्षेत्रों को 5 आधार पर उनकी सूची तैयार की। ये 5 आधार कौन है, कौन से, ये समझने की आवश्यकता है। आरक्षण क्यों दिया गया है, समझने की आवश्यकता है। 5 आधार थे। सबसे पहला आधार क्या था? भौगोलिक दूरी, जो शहरों से बहुत दूर निवास करते हैं, एक। नंबर 2, विशिष्ट संस्कृति, ये संस्कृति जो हमारी वेशभूषा है, जो हमारी भाषा है, ये हमारे तीर कमान है, ये हमारे रीति रिवाज है, ये हमारी परंपरा है, बाबा देव है, आवरी माता जी है, ये हमारी परंपरा, इसके आधार पर हमको आरक्षण दिया गया है क्योंकि हम इसका पालन करते हैं। तीसरी, जो संकोची स्वभाव के हों। चौथी, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हों। और पांचवी, जो इन विशिष्ट परंपराओं के बीच में जिनकी अपनी न्याय की एक परंपरा भी हो, न्यायिक व्यवस्था। हमारे यहाँ पर तड़वी की व्यवस्था होती कि नहीं होती है? ऐसे पूरे देश में जिन क्षेत्रों में अपनी परंपरागत न्याय व्यवस्था थी, इन 5 आधार पर अनुच्छेद 342 में हमको आरक्षण और संरक्षण की व्यवस्था दी गई। लेकिन ये आरक्षण संरक्षण जो 341 में अनुसूचित जाति को दी गई थी, 342 में हमको दी गई, 341 में सन 1956 में संशोधन हुआ, पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उसमें संशोधन करवाया, और उसका संशोधन में आप सब लोगों का ध्यान चाहूँगा क्योंकि ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का सवाल है। इसी में इस सवाल का जवाब पूछा है, छुपा हुआ है कि पिछले 75 साल में लाखों करोड़ रुपया जनजाति क्षेत्रों में जनजाति बच्चों के उत्थान के नाम पर आया, फिर भी वो गरीब के गरीब क्यों बने रहे? अगर इसका जवाब आप जानना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगी अनुच्छेद 342। 1956 में बाबा साहब अंबेडकर ने 341 में संशोधन कराया। संशोधन का मतलब साफ था कि कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति में आता है, अगर वो धर्मांतरित होकर के ईसाई
या मुस्लिम मत में चला जाता है तो फिर वो शेड्यूल कास्ट के आरक्षण और संरक्षण का लाभ नहीं ले पाएगा। सन 341 में ये संशोधन हो गया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 342 में ऐसा संशोधन होना था कि नहीं होना था? आप एक बार अगर मेरी बात समझ रहे हैं तो पीछे तक मेरे जो युवा साथी, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, 342 में संशोधन होना था कि नहीं होना था? लेकिन नहीं हुआ। और इसका दुष्परिणाम क्या हुआ? इसका दुष्परिणाम हुआ उस समय संसद में बैठे हुए हमारे आदिवासी जनजाति वनवासियों के सबसे पढ़े लिखे और सबसे समझदार नेता डॉक्टर कार्तिक उराव, उन्होंने संसद में आवाज उठाई कि अनुच्छेद 342 में भी संशोधन करना पड़ेगा। क्या संशोधन करना पड़ेगा, तो क्यों करना पड़ेगा? तो इसके लिए उन्होंने एक रिसर्च की, अनुसंधान किया और पुस्तक, उस पुस्तक का नाम है 20 साल की काली रात। क्या नाम है पुस्तक का? मेरे युवा साथियों से पूछना चाहता हूं, क्या नाम है पुस्तक का? आप सब लोग उस पुस्तक को मंगवाइए और कार्तिक उराव जी की उस पुस्तक को पढ़िए। उस पुस्तक में कार्तिक उराव जी ने हमारी आंखें खोलने वाले तथ्य लिखे। उसमें उन्होंने लिखा इस देश के 100% जनजातियों में से 5% लोग जो है वो हिंदू धर्म से परिवर्तित होकर के ईसाई बन चुके हैं। कितने प्रतिशत? 5%। लेकिन जो हमारा टोटल बजट है, जो आदिवासियों के वनवासियों के विकास की योजनाओं के लिए लगता है, उसका 75% हिस्सा ये उन 5% लोगों के लिए खर्च होता है। बाकी के 95% को कितना बजट मिलता है भाई साहब? कितना बजट मिलता है? सिर्फ 25%। जो छात्रवृत्ति की हमारे यहां पर योजना है, ये छात्रवृत्ति 59% किनको मिलती है? 5% लोगों को मिलती है जो धर्मांतरित होकर के ईसाई बन गए हैं, और जो 95% समुदाय है उसको सिर्फ 41% उनको मिलती है। नौकरियों की अगर हम बात करें तो नौकरियों में केवल राज्य सेवा, केंद्र सेवा, पीएससी, यूपीएससी और अखिल भारतीय सेवाओं की बात करें तो 61% उन 5% लोगों का उसके अंदर आरक्षण का लाभ लेकर के तहसीलदार से लेकर के कलेक्टर, कमिश्नर और सेक्रेटरिएट में बैठे हुए हैं। कौन लोग बैठे हुए? 5% जो धर्मांतरित हो गए, 95% जो लोग हैं वो केवल 39% उनको लाभ मिल रहा है। और इसको अगर उन बजट में समझना चाहें तो डॉक्टर कार्तिक उराव जी ने अपनी पुस्तक में लिखते हैं लंबी रिसर्च के बाद में, कि अगर इसको हम वैसे समझने की कोशिश करें कि एक आदमी का जो बजट पैसे के रूप में आता है तो 95% लोगों को कितना पैसा मिलता है औसत रूप से, और ये जो 5% धर्मांतरित हो गए ईसाई इनको कितना पैसा मिलता है, तो डॉक्टर कार्तिक उराव जी 20 साल की काली रात पुस्तक में लिखते हैं कि इसमें इतना बड़ा अंतर है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक व्यक्ति के ऊपर विकास योजनाओं में जो 5% धर्मांतरित ईसाई हो गए जनजाति के, शेड्यूल ट्राइब के, इन लोगों को अगर एक व्यक्ति पे सरकार की योजना का 210 रुपया खर्चा होता है तो जो 5% जो है और जो 95% जो हिंदू समाज का, भारतीयता का पालन करता है, उसको कितना पैसा मिलता है? सिर्फ 1 रुपया, 210 और 1। अगर एक आदमी पे 210 तो किनको मिल रहा है 210? 5% वालों को। और जो 95% वाले हैं इनको कितना पैसा मिल रहा है जी? इनको मिल रहा है सिर्फ 1 रुपया। इसका मतलब कितना हजार गुना का अंतर है? 25,000 गुना का अंतर है। इसका मतलब तो ये है कि जहां पर ये जो धर्मांतरित 5% लोग जो शेड्यूल ट्राइब में काउंट होते हैं, जिनकी काउंटिंग होती है शेड्यूल ट्राइब में, जनजाति में, जिनको आदिवासी कहा जाता है लेकिन वो हिंदू परंपरा, सनातन परंपरा को नहीं मानते हैं, वो हमसे 25,000 साल आगे पहुंच गए। लेकिन अधिकार तो हमको मिला था। अधिकार क्यों दिया गया था? तो भारत की संविधान सभा स्पष्ट कह रही है, वो कह रही है अधिकार इसलिए दिया गया था क्योंकि इनकी विशिष्ट संस्कृति है। संस्कृति क्या है हमारी? हमारी संस्कृति है हम महादेव की पूजा करते हैं, बाबा देव की पूजा करते हैं, हम शिव के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं, हम भीली भाषा बोलते हैं, हम भीली वेशभूषा पहनते हैं, इसलिए मिलती है। लेकिन ये 5% वो लोग कर रहे हैं क्या? अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर इनकी डीलिस्टिंग होना चाहिए। ये डीलिस्टिंग क्या है? ये डीलिस्टिंग वही है
जो 1956 में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अनुसूचित जाति के हमारे जो बंधु है उनके लिए करवाई थी। अगर आप शेड्यूल कास्ट के हैं और अगर आप धर्मांतरित होकर के ईसाई या मुस्लिम मत को मानेंगे तो फिर आपको अनुसूचित जाति का लाभ नहीं मिलेगा। तो मैं आप लोगों से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि 342 में संशोधन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और हमारे यहाँ के सांसद ने भी इस सवाल को थोड़े दिन पहले ही लोकसभा में उठाया। अब लोकसभा में और लोकसभा जो है उसमें सभी दलों के लोग बैठे हुए हैं, वो लोकतंत्र में एक ही भाषा को जानती है, वो भाषा है जनता की भाषा, क्योंकि ये जनता का तंत्र है। और इसलिए हमको गांव-गांव से डीलिस्टिंग की मांग करना पड़ेगी। ये डीलिस्टिंग होना चाहिए अनुच्छेद 342 में से संशोधित करके, ऐसे लोग जो जनजाति समाज की भाषा वेशभूषा संस्कृति परंपरा से दूर हट गए हैं उनको आदिवासी होने का कोई भी लाभ नहीं मिलना चाहिए। और यही संकल्प लेकर के जो नगरी क्षेत्र में निवास करने वाले गैर जनजाति बंधु हैं, जो जनजाति समाज की सेवा में लगे हुए हैं, वो भी इस आवाज में सुर मिला करके शहरों से शंखनाद कर रहे। भाइयों बहनों, आज हमारे सामने ये चुनौती है। इस चुनौती को लेकर के विविध तरह के कार्यक्रम पूरे देश में होने वाले हैं। अगर आंदोलन राणापुर में होगा, अगर आंदोलन मोई वागेली में होगा, अगर आंदोलन समोई की पंचायत में होगा, तो उसकी आवाज़ देश की संसद तक पहुंचेगी और देश की संसद को मजबूर होकर के डीलिस्टिंग करना पड़ेगा। ये डीलिस्टिंग को लेकर के एक अंतिम भाषण जो दिया गया डॉक्टर कार्तिक उराव जी के द्वारा, मैं समझ सकता हूं आप लोग इतनी धूप में घूम करके आए हैं और इसलिए मैं थोड़ी देर में अपनी बात को समाप्त कर दूंगा। आप लोग एक बार अपने हाथों को जोर से खोलिए इस आयोजन करने वाले लोगों के लिए, एक बार करतर धोली से इनका अभिनंदन कीजिए। और मेरे साथ दोनों मुट्ठियां बांध करके अगर आप डीलिस्टिंग का समर्थन करते हैं तो उठाइए मेरे साथ अपने दोनों हाथों को, मुट्ठी को कस के बांधिए। हम राम के बेटे, हम भगवान बिरसा मुंडा के बेटे हैं, हम हनुमान जी के मानने वाले लोग हैं। कस के मुट्ठी को बांधिए, गर्दन को सीधा कीजिए, श्वास को भरिए और बोलिए पूरी शक्ति के साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भाइयों बहनों, ये जो डीलिस्टिंग का जो बिल था ये संसद में होना है। डॉक्टर कार्तिक उराव जी ने जुलाई 1967 में इस बिल को संसद में प्रस्तुत कर दिया, लेकिन सरकार उस समय जो थी उस सरकार ने इसको जेपीसी को भेज दिया, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसमें अलग अलग पार्टी के लोग होते हैं। जेपीसी ने 3 साल तक उसको ठंडे बस्ते में डाल के रखा। जेपीसी थी 33 सांसदों की, अलग अलग दलों के सांसद, अलग अलग जिलों से बने हुए सांसद। इन 33 सांसदों ने मिलकर के आखिरी में सिग्नेचर किया कि डॉक्टर कार्तिक उराव जी की जो बात है वो सही है और जेपीसी की जो रिपोर्ट है वो सन 70 के सितंबर माह में आ गई वापस संसद के पटल पर। संसद के पटल पर 10 सितंबर 1970 को यह रिपोर्ट आई, जिस रिपोर्ट में अनुसूचित जाति जनजाति संशोधक विधेयक अधिनियम 1967 इस नाम से वहां पर आई और इसका संशोधन होना था। बाबा कार्तिक उराव जी ने तो उस समय संसद के 348 सांसदों की साइन करवा करके, उस समय जो देश की प्रधानमंत्री थी जिनको ये करना था, जो सदन की सबसे बड़ी नेता थी इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी को दे दिया कि ये 348 सांसद हर दल के सांसद हैं, ये कह रहे हैं कि ये डीलिस्टिंग करनी कर दी जानी चाहिए जल्द से जल्द। लेकिन डीलिस्टिंग नहीं की गई, डीलिस्टिंग को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। और एक जो तथ्य आया वो तो आश्चर्यजनक तथ्य है। मुझे बताइए, अगर जनजाति मामलों का कोई फाइल है तो वो कहाँ, कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहिए? जनजाति डिपार्टमेंट में जाना चाहिए ना, अनुसूचित जाति जनजाति विभाग में ही जाना चाहिए ना। लेकिन जनजाति के मामलों की वो जो फाइल है उस फाइल को जनजाति डिपार्टमेंट में नहीं भेजा गया, उस फाइल को भेजा गया विदेश मंत्रालय में। विदेश मंत्रालय का क्या संबंध है इससे? क्या संबंध है विदेश मंत्रालय का? इसका सीधा सा मतलब है कि दुनिया के वो देश जो भारत के सारे जनजाति समाज को समाप्त करके, उनकी संस्कृति को समाप्त करके उनको ईसाई मत में ले जाना चाहते हैं, उनके दबाव में सरकार ने इस काम को नहीं किया, इसीलिए आपने उस दबाव में उस फाइल को विदेश मंत्रालय में रखा हुआ है। लेकिन अब युवा जागृत हो गया। अंतिम समय संसद में 55 मिनट का भाषण डॉक्टर कार्तिक उराव जी ने दिया। मैं पूरे भाषण की बात नहीं करता, लेकिन आखिरी के जो उनके शब्द थे, डॉक्टर कार्तिक उराव जी ने बहुत ही भावुक अंदाज में कहा, या तो डीलिस्टिंग के इस बिल को आप स्वीकार कर लीजिए या इस बिल को यहां से
स्वीकार कर लीजिए, या अगर इस बिल को यहाँ से उठाएंगे तो फिर मेरा भी इस धरती पर रहने का कोई मन नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये बिल अगर इस संसद से उठेगा तो यूँ समझ लो कि डॉक्टर कार्तिक उराव इस धरती से उठ जाएगा। डॉक्टर कार्तिक उराव जी के ये अंतिम शब्द थे। 5 दशक उस बात को हो गए, अभी भी फाइल रखी हुई है, और इसलिए पूरे देश में एक प्रचंड विरोध की भावना, जनजाति समाज के अधिकार, उनके आरक्षण, उनके संरक्षण, उनकी विकास योजनाओं पर जो मतांतरित चर्च प्रेरित विदेश से षड्यंत्रों पर काम करने वाले, उनके इशारों पर काम करने वाली ईसाई मिशनरी के माध्यम से किया जा रहा है, हमारे अधिकारों पर डाका अब हम और नहीं डालने देंगे, इस संकल्प के साथ एक प्रचंड विरोध शुरू हुआ है। और इसलिए हम मोदी जी को इस मंच के माध्यम से भी निवेदन करना चाहते हैं कि आप संसद में धारा 342, जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के हक और अधिकार की बात है, उनके भविष्य की बात है, इसको स्वीकार कीजिए। संसद में आपके पास बहुमत है। हम नीचे से अपने मन की भावना यहाँ सड़क पे खड़े होकर के बता रहे हैं, आप संविधान का संशोधन लाइए और डॉक्टर कार्तिक उराव जी के बिल को, संशोधन को, उस अधिनियम को स्वीकार कर लीजिए। अगर इस राष्ट्र को राम का राष्ट्र बना के रखना है, बाबा बिरसा मुंडा के, दुर्गावती के, बाबा तिलका मांझी के सपनों का राष्ट्र बना के रखना है, तो 342 अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता है। इसी संकल्प के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अभी यहां पर से कुछ सूचनाएं आ रही हैं। 30 अप्रैल को यहीं पर राणापुर में एक महारैली होना है, इसी विषय को लेकर के, झाबुआ में महारैली होना है, डी लिस्टिंग के विषय को लेकर के, पूरा झाबुआ सड़कों पर होगा, पूरा जनजाति समाज सड़कों पर होगा। ये जो अभियान जिन बंधुओं के माध्यम से चल रहा है, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, एक पवित्र काम में आप लोग लगे हुए हैं। ये लोक जागरण का काम है, ये लोगों के मन में भारतीयता की भावना को भरने का काम है। आप सब लोग वंदनीय हैं, अभिनंदनीय हैं, और जो लोग मंच के पीछे रहकर, पर्दे के पीछे रहकर के इस काम में लगे हुए हैं, उनको मैं अपना आत्मीय वंदन, आत्मीय प्रणाम प्रस्तुत करता हूं। भाइयों बहनों, मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं अपने शब्दों के माध्यम से। आप राष्ट्र को, हमारी भारतीय संस्कृति को, और विशेष करके हमारे जनजाति क्षेत्र की संस्कृति को, क्योंकि मैंने उल्लेख किया था, हमारी 5वीं और 6ठी अनुसूची है, 5वीं और 6ठी अनुसूची ये साफ कहती है कि जिन क्षेत्रों में 5वीं अनुसूची लागू है, उस क्षेत्र में अगर हमारे जैसा शहर का कोई व्यक्ति आता है तो वो इस संकल्प के साथ आए, जिस संकल्प के साथ लाखों साल पहले भगवान श्री राम गए थे। भगवान श्री राम ने निषाद राज की अनुमति ली थी कि क्या मैं अपने क्षेत्र, आपके क्षेत्र में आ सकता हूँ, तो मैं वनवासी बन के आपके क्षेत्र में आऊँगा। अगर कोई जनजाति क्षेत्र में कोई विदेश का चर्च वाला व्यक्ति हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए आए, तो भारत का संविधान साफ कह रहा है कि हमारी अनुमति के बिना वो हमारे क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता। ये संविधान ने हमको अधिकार दिया है। मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि उस संविधान के अधिकार का हमको उपयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और इसलिए ऐसे लोगों के इरादों को पहचानिए जो हमको भारतीयता से दूर करना चाहते हैं, हमको रोटी की तरह तोड़ना चाहते हैं। सामाजिक समरसता की यहाँ पर बात हुई, एक रोटी अगर किसी व्यक्ति को पूरी दे दी जाए तो वो एक साथ नहीं खा सकता है, और इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसमें से कोर को तोड़ना पड़ेगा, उसको सब्जी में मिलाना पड़ेगा, सब्जी में मिलेगा या किसी मिठाई में मिलेगा तो उसकी मिठास तो थोड़े समय के लिए बढ़ जाएगी, उस कोर को भी लगेगा कि मिठास बढ़ रही है, लेकिन वो जाएगा जबड़ों के बीच में, दांतों के बीच में, और खत्म। ऐसे ही हमारे हिंदू समाज को तोड़ने की, हमारे भारतीय समाज को तोड़ने के लिए अधिकारों के नाम पर कई आंदोलन यहाँ पर काम कर रहे हैं। वो आपको एक साथ नहीं तोड़ सकते, राम के बेटों को, बिरसा के बेटों को एक साथ नहीं तोड़ा जा सकता, वो जानते हैं पूरी रोटी एक साथ नहीं खा सकते हैं। इसलिए वो क्या कह रहे हैं, आदिवासी अलग है, दलित अलग है, सवर्ण अलग है, और इस तरह की सेनाएं बन रही जातियों के नाम पर। ये सेनाएं जितनी जातियों के नाम पर बन रही है, चाहे वो किसी भी जाति के नाम पर बन रही है, वो सारी सेनाओं का एक ही उद्देश्य है, हिंदुस्तान का विभाजन करना चाहते हैं, क्योंकि जहां से इनका, जिनके पास रिमोट कंट्रोल है, वो सदियों से ये सपना लेके बैठे हुए हैं कि भारत को खंड खंड में विभाजित कर दे, अपने सनातन समाज को, जैन बौद्ध सिख, इस पूरे समाज को छिन्न भिन्न कर दें, वो सपना पाले बैठे हुए हैं। सामने से लड़के चीन और पाकिस्तान हमसे नहीं जीत सकता, इसलिए माओवाद, चर्च, चीन, चर्च और जेहादी मिलकर के इस तरह के षड्यंत्र हमारे बीच में कर रहे हैं। बात तो करते हैं अधिकारों की, लेकिन काम करते हैं किसका? बात कहते हैं आदिवासी हिंदू नहीं है, ऐसा कहने वाले लोग बहुत मिलेंगे आजकल, बड़े घूम रहे हैं, आदिवासी हिंदू नहीं है। तो चलो, हमने पूछा उनसे झारखंड की एक सभा में जाकर के कि आदिवासी हिंदू नहीं है, चलो कोई बात नहीं, आप ये बात कहते हो, जरा एक बार मंच से खड़े होकर बोल दो कि आदिवासी ईसाई नहीं है। लेकिन हमने आज तक कभी सुना नहीं किसी के मुँह से,
वो ये कहने को तैयार ही नहीं है कि आदिवासी ईसाई नहीं है, वो कह रहा आदिवासी हिंदू नहीं है। इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब साफ है। अभी झारखंड में जनगणना के आंकड़े आने वाले थे, तो जनगणना में वो कह रहे हैं वहां पर कि जो जनगणना में धर्म का जगह है उस धर्म की जगह पर लिखाइए आप प्रकृति धर्म, हिंदू मत लिखाइए। तो मैंने वहां के लोगों को कहा कि चलो अपन सब इकट्ठा होकर चलते हैं, आपको हिंदू नहीं लिखाना कोई बात नहीं है, हम सब लोग इकट्ठे होकर के चर्च चलते हैं और चर्च में जाकर के जितने हमारे जनजाति धर्मांतरित हो गए हैं वहां पादरी समेत सब लोगों को कहते हैं आप भी प्रकृति पूजक हैं, तो आप सब जो कन्वर्ट हो गए हैं आप भी इस जनगणना में ईसाई मत लिखवाना, इसमें प्रकृति पूजक लिखवाना। क्या आप लिखवाओगे? तो उनके मुंह हो जाते नीचे। और इससे आता है षड्यंत्र समझ में। रोटी की तरह कोर कोर करके हिंदू समाज को तोड़ने का सपना पाले जो लोग बैठे हुए हैं वो कभी अपने सपने में सफल नहीं हो सकते। ऐसी छोटी छोटी चिंगारियां गांव से उठती रहेगी और भगवान बिरसा मुंडा की संतानें जैसे उनके पुरखों को हमने संघर्ष का शंखनाद करके यहां से हरा करके वापस सात समंदर पार भेज दिया। हम लड़े थे गोरे अंग्रेजों से, हमारे जो पुरखे थे गोरे अंग्रेजों से लड़े थे भाइयों बहनों, अब हमको युद्ध लड़ना, ये धर्म का युद्ध है, राष्ट्र को बचाने का युद्ध है। गोरे अंग्रेज तो चले गए हैं लेकिन उनकी संतानें काले अंग्रेज यहाँ पर छोड़ गए हैं, अब हमको काले अंग्रेजों से, और इस मंच के माध्यम से उन सारे काले अंग्रेजों को आप सबकी तरफ से मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि वो जो मंसूबा पाल करके बैठे हुए हैं उनके सात जन्म निकल जाएंगे लेकिन वो हिंदुस्तान में भारत माता का कोई और विभाजन नहीं कर सकता।